वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेक्टर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेफलर इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो Q4 के नंबर हैं वो यहाँ पे पब्लिश कर दिए गए हैं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी जो Q4 के नंबर हैं वो यहाँ पे कैसे शो की है, कैसे दिखाई है। आ जाते हैं कंपनी कैसे परफॉर्मेंस की है। ये जो वैल्यू है ओनली मिलियंस में है, तो हमको करोड़ में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल जो इनकम हुआ है, टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन वो यहाँ पे कितना हुआ है, 1880 करोड़ के आसपास। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 1885 करोड़ के आसपास हुआ था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1726 करोड़ के आसपास हुआ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जाए तो एकदम यहाँ पे टोटल जो इनकम है वो यहाँ पे फ्लैट है, बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे परफॉर्मेंस में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। ये देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर सुधार यहाँ पे देखने को डायरेक्टली मिल रहा है। अब टोटल जो एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे, खर्चे की बात की जाए यहाँ पे कितने आए हैं, 1574 करोड़ के आसपास। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 1585 करोड़ के आसपास और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1432 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बढ़ेंगे बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेस कम हुए हैं, ये चीज़ यहाँ पे अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना निकल के आ रहा है वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 305 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा है। और लास्ट क्वार्टर यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो यहाँ पे 295 करोड़ था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में यहाँ पे 294 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। अब आफ्टर टैक्स यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कितना बचता है ये अगर देखोगे तो 227 करोड़ बचता है और लास्ट क्वार्टर में 217 करोड़ था और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 219 करोड़ था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी नेट प्रॉफिट जंप हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नेट प्रॉफिट जंप हुआ है। तो कंपनी के जो नंबर हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे साइड यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, बट मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसको क्या इसने बीट किया है कि नहीं, कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। अपना जो राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।